बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज अभी हमने अब्दुल हादी को स्पीच याद करवाई है, अभी आपको स्पीच सुनवाते हैं अब्दुल हादी की, और मिलते हैं अब्दुल हादी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, तो मैं स्पीच सुनाता हूँ। نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشکل تھے راستے آسان ہو گئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم वो हर ज़माने का रहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, जनाब सदर यकीन मानिए। जब मुझे ये मौजू मिला, दिल खुला, दिमाग सोचों का मरकज़ बना, जिसम का रुआ हुआ, ताज़े लहू की तरह थम गया कि आज मुझे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कहना है। जनाब सदर यकीन मानिए, जब मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्कर करता हूँ तो मुझे ताइफ की वादी में पत्थर खा कर भी हदायत की दुआ देने वाले नज़र आते हैं। जब मैं सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर बात करता हूँ तो मुझे मक्का में आम माफी का ऐलान करने वाले सारे बशर याद आ जाते हैं। जब मैं इस मौजू पर बात करने लगता हूँ तो मुझे हिंदा को माफ़ करने वाले खैर बशर याद आ जाते हैं। जब मैं इस मौजू पर बात करने लगता हूँ तो मुझे अन्ना के लाल भूखी पैसे ला की सदा देते नजर आते हैं। मैं इनकी सीर की क्या बात करूँ? वो नबियों में मतलब पाने वाले, मुरादे गरीबों के बलाने वाले, मुसीबत में खैरों के काम आने वाले, वो अपने पराये का हम खाने वाले। जनाब सदर, आज की दुनिया वाले किसी की दयानत पर नाश करते हैं तो किसी की खूबसूरती की बात करते हैं, तो किसी के एहसार पर नाश करते हैं, तो किसी की सखावत की बात करते हैं, तो किसी की अमानत पर नाश करते हैं, तो मैं इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों नाश ना करूँ जिसमें ये सारी खसूसियात पाई जाती हैं? जनाब सदर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अदालत थी जिससे उमर फारूक आज़म बन गए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सखावत थी जिससे उस्मान गनी बन गए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर शिजात थी जिससे अली शर खुदा बन गए। जिंदगियाँ बीत गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हो सका। जनाब सदर यकीन मानिए, जिसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, उल्फत नहीं, जज्बा नहीं, ऐसे दिल वाले इंसान मुनाफिक तो हो सकता है, काफिर तो हो सकता है, पर ऐसे दिल वाले इंसान मोमन और मुसलमान नहीं हो सकता। और जिस रसूल के बड़े बड़े दावे करने वाले हुस्तावे रसूल का साथ देते नजर आते हैं। मेरे साथियों, मैं यहाँ ये कहना भी ज़रूरी समझता हूँ कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कि एक बड़ा सा चौराहा कर लो या झूम झूम कर नाथे पढ़ लो या तकरीर कर लो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी, खाने पीने, सोने उठने बैठने में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। जनाब सदर, दिल तो नहीं चाहता इस मौजू का अख्ताम करूँ, कुछ वक्त की किल्लत है, मज़मून की तवालत है, कुछ कहने की कसरत है, अल्फाज की कसरत है, कुछ कह भी नहीं सकता, चुप रह भी नहीं सकता। जनाब सदर, इब्तिदा भी हुई वही इब्तिदा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबों दुरूदो खरबो सलाम, आपके समातों का शुक्रिया। ये जी मोहम्मद हादी ने फर्स्ट टाइम इसने स्पीच याद की है और माशाल्लाह बहुत अच्छी याद की है। अभी मज़ीद इस पर मेहनत करेंगे, इसे और मज़ीद याद करवाएंगे। तो आपने ज़रूर बताना है कैसे की है मोहम्मद अब्दुल हादी ने स्पीच। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।